हेलो एवरीवन, दिव्या ब्लॉग्स एंड किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं दोपहर का खाना। तो ये मैं कल रात में दही जमा ली थी, बहुत अच्छी दही जम गई है। तो मैं आधी दही उसे बर्तन में निकाल रही हूँ। अब पानी डाल के इन्हें फेंट लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी करके पानी डाल लिया और इन्हें फेंट ली हूँ। तो चलिए अब इनमें हम बेसन डालते हैं। तो फिर बेसन मैंने करीबन 1.5 चम्मच डाला है, तो फिर 1 चम्मच ये हो गया और आधे चम्मच और डालूँगी। इस तरह हमें इन्हें भी फेंटना है। तो अब मैंने बेसन डाल दिया इसमें और घोल भी ली। तो इनमें अब डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ी सी धनिया। अब इन्हें भी हमें अच्छी तरह से मिलाना है इस तरह से। मेरे गैस चूल्हे में 3 बर्नर हैं, तो फिर मैं तीनों गैस बर्नर में काम करूंगी। तो फिर ये मैंने चावल के लिए पतीले निकाल लिया हुआ है और इन्हें अब मैं धो लूँगी अच्छी तरह से चावल को। तो फिर अब उसमें मैं करीबन उंगली भर पानी डाल लूँगी, कम से कम 2 लोटा, क्योंकि पानी मुझे नहीं निकालना है, उसी में पानी सूख जाए, इतने पानी डालने हैं। तो इस तरह से मैं अब 2 लोटा पानी डाल चुकी हूँ और मैं नाप के देखती हूँ, हाँ तो बिल्कुल सही सही। तो चलिए अब गैस चलाते हैं और पतीले को चढ़ा देते हैं। जब तक हमारा चावल बनेगा तब तक मैं कढ़ी को छौंक लेती हूँ। तो अब पतीले में तेल डाल चुकी हूँ और मेथी, प्याज काट के रखी थी, हरी मिर्च वो भी डाल दी। अब इन्हें हम भून लेंगे। तो चलिए अब डालते हैं इनमें हींग। हींग तो कढ़ी में डालना बनता ही है, बिना हींग के तो कढ़ी अच्छी लगती ही नहीं है। तो इस तरह से मैंने हींग भी डाल दी। अब चलिए घोल को डाल लेते हैं इनमें। ये डाल दिया है तो काफ़ी गाढ़ी लग रही है, तो मैं इनमें थोड़ी और पानी डालूँगी। तो इस तरह से मैंने जो बर्तन में घोला हुआ था उसमें पानी डाल करके बर्तन में डाल दी हूँ। अब इन्हें हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम में छोड़ देंगे, बहुत अच्छी तरह से ये खोल जाएगी तभी कढ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इनमें कढ़ी बनने में काफ़ी समय लगता है। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार और अब हमारी कढ़ी भी उबलने लगी है। इस तरह से अब मैं पकौड़ी बनाने के लिए भी अलग से बेसन निकाल चुकी थी, थोड़ी सी नमक डाल लूँगी इनमें और इनकी घोल तैयार करूँगी पकौड़ी के लिए। इस तरह से अब हमारे पकौड़ी के लिए घोल भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब कढ़ाई चढ़ाते हैं और इनकी पकौड़ी निकालते हैं। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था, तेल गर्म अच्छी हो चुकी है। तो चम्मच से मैं डालूँगी बेसन को और इस तरह से पकौड़ी मैंने तैयार कर लिया है। तो इस तरह से अब मुझे बैंगन बनाने हैं, बैंगन फ्राई। तो इसे मैं इस तरह से काटूँगी गोल गोल में। अब देखिए हमने गोल गोल पूरी बैंगन को काट ली हूँ। तो अब इसमें हमें लेप लगानी है, तो फिर उसके लिए मैं हल्दी, धनिया मिर्च पाउडर, आमचूर, थोड़ी सी गरम मसाला, नमक, हम इन्हें पेस्ट तैयार करेंगे। अब पेस्ट तैयार करने के बाद में हम बैंगन के ऊपर इसके लेप लगाएंगे दोनों साइड से अच्छी तरह से। सचमुच बहुत जल्दी बनती है और खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये मैंने पूरी लेप लगा ली है बैंगन में। तो चलिए अब इन्हें तलते हैं। तो फिर मैंने फ्राई पैन में तेल डाल दिया था, तो फिर इस तरह से हम डालेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे, क्योंकि बैंगन जो बहुत जल्दी पक जाती हैं। अब देखिए हमारी चावल भी पक चुकी हैं, तो हम इन्हें अलग कर देते हैं। इस तरह से हमारी काम फटाफट हो गई, क्योंकि मैंने एक तरफ ये सेक ली अपनी बैंगन। तो चलिए हमारी कढ़ी भी अब तैयार हो चुकी है। तो मैंने पकौड़ी डाल दिया इसमें। अब देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है हमारी कढ़ी में। तो फ्रेंड्स, जरा भी हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर
करना। और ये देखिए हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है, तो ऊपर से हम धनिया पत्ती की गार्निश कर देंगे। अब दोपहर का खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो फ्रेंड्स ये है चावल, बैगन फ्राई और पापड़।